जब बात फैमिली पर आती है तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सिनेमैटिक आर प्रोडक्शंस। शहजादा का ट्रेलर इज हियर और आज उसी का रिव्यू करेंगे। एवरीबॉडी नोज कि शहजादा एला वैकुंठा पम्बलो का रीमेक है और कोई भी अल्लू अर्जुन का स्वैग और स्टाइल रिप्लेस नहीं कर सकता। बट आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस ट्रेलर विदाउट एनी कंपैरिजन। एक इंडिविजुअल मूवी ट्रेलर की तरह से जज करते हैं। अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अरविंद ने ही ये रीमेक बनाया है कार्तिक को लेकर, तो जब उन्हें ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों कंपैरिजन में पड़े। मूविंग ऑन, ट्रेलर देखकर स्टोरी बहुत सिंपल लग रही है। एक लड़का है जो किसी कंडीशन में अपने परिवार से अलग हो जाता है और वो उस घर के नौकर के साथ रहता है, और कैसे उसे एक दिन पता चलता है कि वो इतने बड़े घर का बेटा है और वो अपने असली परिवार से मिलने वहाँ पहुँच जाता है, और फिर वहाँ होता है बहुत सारा कन्फ्यूजन और कैसे वो अपने परिवार पर आने वाली मुसीबतों से उन्हें बचाता है। उसके साथ हीरो के लव इंटरेस्ट का एंगल, बीच में दो चार गाने, बहुत सारा एक्शन और एक हैप्पी एंडिंग। अब ये स्टोरी तो इतनी नोबल नहीं है तो मैटर करेगा इसका एग्जीक्यूशन, कैसे रोहित धवन अपने स्टाइल में से प्रेजेंट करता है। और क्या ऐसी मूवीज ऑडियंस थिएटर में देखने जाएगी, तो उसका जवाब है हाँ। ये एक फैमिली मूवी है और कॉमेडी भी ठीक ठाक लग रही है, तो डेफिनेटली फैमिली ऑडियंस इसे देखने जाएगी। वैसे भी कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है यंगस्टर्स में, तो वो ऑडियंस भी इस मूवी को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ इसमें परफॉर्मेंसेस की, तो इट विल बी अ कार्तिक आर्यन शो। ट्रेलर लेवल पर कार्तिक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है, चाहे फिर वो डायलॉग डिलीवरी हो, डांस परफॉर्मेंस हो, एक्शन सीन्स हो, सभी में कार्तिक कन्विंसिंग लग रहा है। ये ऐसी मूवी है जहाँ थोड़ा भी कैरेक्टर ओवर हो गया तो ओवर एक्टिंग हो जाएगी, बट ट्रेलर देखकर लग रहा है कि कार्तिक संभाल लेगा। वैसे भी ही इज़ अ गुड एक्टर। वैसे कहीं कहीं प्यार का पंचनामा सीरीज वाले कार्तिक की वाइब भी आ रही है इस ट्रेलर को देखकर, जैसे एक सांस में एक लंबा डायलॉग बोलना, बट ही इज़ रियली गुड एट इट। कीर्ति सरन का रोल तो वही होने वाला है खैर इसमें, जो एक टिपिकल मसाला मूवी में एक्ट्रेस का होता है। उसके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं होगा इस मूवी में, सिवाय दो चार गानों की। तो ट्रेलर लेवल पर कीर्ति भी ठीक ठाक लग रही है, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। लीडिंग एक्टर से अलग कैरेक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा लग रहा है इस ट्रेलर में। परेश रावल को बहुत दिनों बाद देखेंगे स्क्रीन पर एंड ही इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर, तो उनका काम तो अच्छा होगा ही, और ट्रेलर में भी वो अच्छे लग रहे हैं। रौनित रॉय और भी कई सारे कैरेक्टर्स होंगे इसमें और वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ट्रेलर में, बट राजपाल यादव इज़ हाईलाइट इन द ट्रेलर। उनके सीन्स पर हंसी आई और शायद मूवी में भी वो एंटरटेन करेंगे। म्यूजिक प्रीतम का है तो गाने तो अच्छे होंगे ही, लेकिन एक गाना है स्टार्टिंग में जो मुझे थोड़ा सा क्रिंज लगा, बट जो दूसरा गाना सोनू निगम की आवाज़ में है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, थोड़ा बेटर हो सकता था। रोहित धवन ने इससे पहले दो मूवीज बनाई थी और दोनों ही चल गई थी, रिशुम और देसी बॉयज, तो रोहित पे भरोसा किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर। ऑल एंड ऑल अगर ओरिजिनल से कंपेयर ना करें तो मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, बट इसका कंपैरिजन डेफिनेटली होने वाला है ओरिजिनल से, और ट्रोल भी होगा ये ट्रेलर रीमेक होने की वजह से, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, मज़ा, और ये सब करने में मज़ा तो आता ही है। खैर सबका अपना अपना नज़रिया है, बट आई थिंक ये मूवी चल जाएगी। अगर फैमिली ऑडियंस इससे कनेक्ट कर गई तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रीमेक हो या सीक्वल, फैमिली ऑडियंस को अगर मज़ा आ गया तो वो मूवी चला देंगे, जैसे दृश्यम 2 और भूल भुलैया 2 के टाइम हुआ था। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर शहजादा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? प्लीज शेयर योर थॉट्स। द कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल फॉर यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई लव यू गाइस एंड विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो।